बहुत बहुत धन्यवाद आइए सर पीवी सिंधु जी से आपका। बात करते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार थैंक सर। यू। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, नमस्कार मुझे सर। बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबाउली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शक्ति कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलू करके फेब्रुवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर, ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन उन लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेला तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है, आई गेट यूज टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है। आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक सफल खिलाड़ी के माता पिता हैं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कैसी पेरेंटिंग करनी होती है? सर पेरेंटिंग तो फर्स्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर, क्योंकि उनको एंकरेज करना है, वी हैव टू मोटिवेट देम। एंड आप तो जानते हैं गवर्नमेंट तो हर तरह से हर खिलाड़ी को सब फैसिलिटी दे रहे हैं, सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा मेहनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोत्साहित करके, हर जो भी बच्चों को हम ये पहले सिखाना है कि रेस्पेक्ट देना, जो भी है रेस्पेक्ट दो और उनका आशीर्वाद लो। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आइए।